सो गाइस ये है OnePlus का 10 Pro एंड ये OnePlus का फ्लैगशिप फोन है। इसके अंदर Qualcomm का फ्लैगशिप प्रोसेसर आता है Snapdragon 8 Gen 1। लेकिन भाई फ्लैगशिप का जब नाम आता है तो वहां पर आईफोन इज द किंग हियर, टू बी ऑनेस्ट। भाई इसका जो प्रोसेसर है एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट वो अभी भी किंग है, बट Snapdragon 8 Gen 1 के कंपैरिजन में क्या चल रहा है आज की डेट में वो देखने वाले हैं, क्योंकि भाई ये ऑलमोस्ट 5-6 महीने पुराना है, ये एकदम ब्रांड न्यू है। स्पीड में कितना डिफरेंस है वो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि प्राइस में तो भाई ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। मतलब मैं एक आईफोन की जगह पे दो ये वाले फोन ले सकता हूं, इतना ज्यादा डिफरेंस है प्राइस में, तो ये चीज है। बट साइड बाय साइड अगर कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन सा ज्यादा फास्ट है। भाई हम एप्स ओपन करेंगे, गेम्स ओपन करेंगे, वीडियो रेंडर करेंगे, रैम मैनेजमेंट के साथ साथ बेंचमार्क भी देखेंगे, तो सारी चीजें हमको मालूम पड़ने वाली है। सो ही व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन OnePlus 10 Pro versus iPhone 13 Pro Max. So, let's begin. तो गाइज ये है वो दोनों फोन, ये है OnePlus 10 Pro जो OnePlus का फ्लैगशिप फोन है एंड फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ में आता है, और ये है iPhone 13 Pro Max जो एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन है, प्रॉपर फ्लैगशिप प्राइस एंड प्रॉपर फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है। भाई इसका प्राइस 140,000 है, इसका प्राइस लगभग 70,000 है, तो भाई आधे का डिफरेंस है, इतना समझ लो। बट दोनों के अंदर एकदम टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन है। इसमें Snapdragon 8 Gen 1 है, इसके अंदर एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट है एंड इसके अंदर 2K AMOLED डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। इसके अंदर 2K से थोड़ा सा नीचे 1.5K मैं बोलूंगा वॉल AMOLED डिस्प्ले है एंड इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट है वो भी 120 हर्ट्ज है। दोनों के अंदर LTPO पैनल दिया हुआ है। साइड बाय साइड हम कंपेयर करने वाले हैं दोनों को एंड देखें कौन सा फोन ज्यादा फास्ट काम करता है। ये सारे एप्लीकेशन हम लोग ओपन करेंगे, तो दोनों भी फोन सेम वाईफाई पे चल रहे हैं, सारे एप्लीकेशन कंप्लीटली अपडेटेड है, दोनों फोन भी कंप्लीटली अपडेटेड है आज की डेट के हिसाब से। अभी हम लोग पहले क्विकली बेंचमार्क्स देख लेते हैं। भाई क्लियर विनर जो है ये OnePlus का ही फोन है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख रहे हो 8,83,000 है विदाउट जो बूस्ट मोड है, जो बूस्ट मोड इसके अंदर देता है परफॉर्मेंस मोड, उसके बिना तो भाई 7,80,000 है, बट इसका भी 7,80,000 है, दोनों सेम टू सेम है। सीपीयू स्कोर बहुत ज्यादा है, जीपीयू स्कोर इसका ज्यादा है, सो ये है भाई दोनों में साइड बाय साइड डिफरेंस। बाकी जब गीक बेंच की बात करूं तो भाई गीक बेंच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्लियरली आईफोन इज फार फार अहेड भाई यहां पर, एंड इवन स्मूथनेस वगैरह में भी तो भाई आईफोन तो आईफोन है, वो तो आप समझ ही सकते हो। बाकी लेट्स कंपेयर देम साइड बाय साइड, देखते हैं कौन सा फोन ज्यादा फास्ट काम करता है यहां पर। लेट्स स्टार्ट अवर कंपैरिजन विद इंस्टाग्राम 3-2-1। क्लियरली OnePlus जीता है इसमें। फेसबुक ऑफ कोर्स OnePlus जीता भाई। एम इंडिकेटर सेम स्पीड पे खुले दोनों में। एम इंडिकेटर के बाद यूट्यूब, OnePlus जीत गया भाई यूट्यूब में भी। गूगल क्रोम सेम स्पीड पे खुला। एप्पल की वेबसाइट लोड करते हैं, आईफोन में जल्दी लोड हो गई वेबसाइट, लोड इधर पे जल्दी हुआ बार, लेकिन जो कंटेंट है वो जल्दी इसमें विजिबल हुआ। यहाँ पर भी मैं बोलूंगा कि OnePlus 10 Pro इज अ विनर हियर। आईफोन SE का जो बाय पेज है उसको ओपन करते हैं, यहाँ पर तो एटलीस्ट जीता आईफोन। स्मूथनेस दोनों की काफी जबरदस्त है भाई, हल्का फुल्का ज्यादा मैं इसका बोलूंगा कि आईफोन का ज्यादा स्मूथ है, आईफोन ये सब चीजों में माहिर है। जियो सावन क्लियरली भाई यहाँ पर भी जीत गया है OnePlus का फोन। प्राइम वीडियो इसमें भी OnePlus हल्का सा लीड लिया है। कैलकुलेटर आईफोन जीता। जो आईफोन के खुद के एप्लीकेशन है उसमें तो आईफोन को कोई नहीं हरा सकता, दैट इज फॉर श्योर। ओला अगेन OnePlus जीत गया भाई यहाँ पर। वाह, ऊबर अगेन OnePlus जीत गया। Amazon शॉपिंग एप्लीकेशन अगेन OnePlus जीता भाई यहाँ पर। Flipkart सेम स्पीड पे खुला एटलीस्ट एक एप्लीकेशन। अब हम गेम ओपन करते हैं भाई, दोनों भी बड़े बड़े गेम हैं दोनों के फोन में, लेट्स सी कौन जीतता है। क्लियरली OnePlus यहाँ पर जीत गया। यहाँ पर अब जाके खुला भाई, तो कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत स्लो खुलता है आईफोन में। BGMI अच्छा दोनों में टैप किया लेकिन इसके अंदर थोड़ा लेट उठा। जीत गया भाई ऑलरेडी, ये बहुत फास्ट खुला इसमें एंड इसमें अब खुला। सबवे सफर्स आईफोन जीत गया। काइन मास्टर क्लियरली आईफोन जीत गया। भाई दोनों के अंदर मैंने DSLR से खींची हुई फुटेज को इम्पोर्ट किया है एंड दोनों की जो स्पीड है उसको मैं 0.5x पे स्लो डाउन करता हूँ एंड अपन दोनों को रेंडर करते हैं 1080p 30fps में। जो बिट रेट होगा उसको 9 Mbps कर देते हैं। तो दोनों का जो फाइनल फाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें 141 है, इसमें 147 MB का है। लेट्स डू द रेंडरिंग टेस्ट। 3-2-1 स्टार्ट। देखो ऊपर OnePlus है, नीचे आईफोन है।
ओके सो गाइस जैसे आप लोग देख रहे हो 21 सेकंड्स में वन प्लस ने फिनिश किया, वेयर एज आईफोन ने 23 सेकंड्स दिया। सो लगभग 2 सेकंड के आसपास का डिफरेंस था दोनों के स्पीड में। सो क्लियरली भाई वन प्लस यहां पर भी जीत गया है। अब हम रैम मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसके अंदर 8 GB रैम है बट इसमें 6 GB रैम है। चलो रैम मैनेजमेंट देख लेते हैं। क्लियरली मुझे मालूम है भाई आईफोन ही जीतने वाला है इसमें। सो सबवे सर्फर्स बैटल ग्राउंड दोनों में है, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ये भी है दोनों में, थैंक गॉड। लास्ट टाइम तो भाई इसमें सब कुछ रीलोड हो रहा था। फ्लिपकार्ट भी है दोनों में एंड अमेजोन रीलोड हुआ अगेन। भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगता इसका। ऊबर भी रीलोड हुआ देख रहे हो। ओला चलो ओला है दोनों में एटलीस्ट। कैलकुलेटर दोनों में है। प्राइम वीडियो भी रीलोड हुआ इसके अंदर एंड जियो सावन भी रीलोड हुआ इसके अंदर। गूगल क्रोम भी रीलोड हुआ इसके अंदर। यूट्यूब भी रीलोड हुआ, अभी तक इसमें एक भी रीलोड नहीं हुआ ठीक है। एम इंडिकेटर भी रीलोड हुआ, फेसबुक भी रीलोड हुआ, फेसबुक का कंटेंट रीलोड हुआ इसके अंदर एंड इंस्टाग्राम दोनों में रीलोड नहीं हुआ। सो भाई क्लियरली आप लोग जैसे देख लिया आप लोगों ने, तो इस स्पीड टेस्ट का विनर अगर बात करूं, जब प्राइमरी हम एप्लीकेशन ओपन करने की बात करें तो वहां पर बहुत सारे एप्लीकेशंस में OnePlus जीत गया है। वीडियो रेंडर की बात करूं तो वहां पर भी OnePlus जीता है, बट जब रैम मैनेजमेंट की बात है तो क्लियरली आईफोन जीता है ठीक है। मतलब इससे भी कंपेयर किया मैंने S22 अल्ट्रा से भी। सो एक चीज बोलूंगा कि भाई इन लोग है ना शॉर्ट बर्स्ट में, अभी जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 आया है ये डेफिनेटली शॉर्ट बर्स्ट में जब एकदम क्विक पावर आपको चाहिए रहती है थोड़े टाइम के लिए तो उसमें डेफिनेटली ये जीत जाता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 कंपेयर टू एप्पल का जो A15 बायोनिक चिपसेट है। बट जब लॉन्ग टर्म में आपको चाहिए होती है तो भाई आईफोन इज अ क्लियर विनर हियर। जब लॉन्ग टर्म की बात करूं, स्टेबल ज्यादा है, परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, हर चीज में ज्यादा बेटर है आईफोन। अगर मैं लॉन्ग टर्म खेलने की बात करूं, जैसे आप 1-2 घंटा कंटिन्यूसली कोई भी बड़ा टास्क करेंगे ना तो उसमें कोई भी इन लोग का चांस नहीं रहता भाई, तो ये चीज आप लोग समझिए। चलो बेसिकली अगर आपको स्प्रिंट करना है तो ये एंड्रॉइड्स के जो अभी फ्लैगशिप फोन है वो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर आपको मैराथन रनिंग करना है तो आईफोन इज बेटर। क्लियर एनालॉजी। सो गाइस जैसे आपने देख लिया बहुत सारे जगह पे वन प्लस आधे दाम का फोन आईफोन को हरा देता है, लेकिन वही बात एक्सपीरियंस की आ जाती है भाई। एक्सपीरियंस के मामले में भाई अभी भी आईफोन इज अ किंग, उधर पे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन क्लियरली स्पीड टेस्ट का जो विनर है भले थोड़े से ही मार्जिन से है वन प्लस विनर है भाई, विच इज वेरी सरप्राइजिंग भाई। आधे प्राइस में आ रहा है एंड अभी भी जीत के जा रहा है। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी एंड कुछ समझ में आएगा। अगर आपको हेल्प मिली है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय।